हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित कन्वेंशन सेंटर में चल रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई। ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें गृह मंत्री अमित शाह और कैबिनेट के अन्य मंत्री मौजूद भी थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मीटिंग की अध्यक्षता की। शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया है। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज ही शरद पवार को चिट्ठी लिखी थी। इस ऐलान के तुरंत बाद ही अजीत पवार ने भी NCP की नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुशील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लैंड फॉर जॉब मामले में अब बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का नाम भी आ गया है। CBI ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लालू और राबड़ी के साथ तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन यानी EC ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। सभी पार्टियों को अब अपनी फाइनेंशियल डिटेल यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा चुनाव खर्च के साथ पार्टी को मिलने वाले फंड की जानकारी इस पोर्टल पर ही देनी होगी। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दीपक नाइट्राइड्स लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन चिमनलाल के मेहता यानी CK मेहता का निधन हो गया है। मेहता फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने 1970 में ट्रेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी स्किल का इस्तेमाल कर दीपक नाइट्राइड की स्थापना की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने विभिन्न विभागों में तैनाती करीब 400 प्राइवेट एम्प्लॉयज को बर्खास्त कर दिया है। ये कर्मचारी दिल्ली सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों जैसे कॉरपोरेशन बोर्ड और PSU में नियुक्त थे। भारत में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और 6G सर्विस को डेवलप करने के लिए भारत 6G एयरलाइंस यानी भारत 6G एयरलाइंस को लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में यूनियन टेलीकॉम और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की है। हिमाचल में मॉनसून धीमा पड़ गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में बीते 5 दिन से बारिश की बूंद भी नहीं गिरी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान केवल बरठी में मात्र 1.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मानसून की एंट्री के बाद 24 से 27 जून के बीच नॉर्मल से 135% अधिक बरसात हुई है। मानसून देश भर में पहुंच गया है। ये आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही देश के सभी हिस्सों में पहुंच गया है। IMD के मुताबिक इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 45% ज़्यादा तो दक्षिण भारत में 46% कम बारिश हुई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।